और बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज चुनाव होने जा रहा है। शिमला में थोड़ी देर में चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, ऑब्जर्वर गणेशी लाल वहां पर मौजूद होंगे, प्रभारी श्रीकांत शर्मा और पूर्व सीएम धूमल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। सतपाल सत्ती का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज चुनाव होगा और सतपाल सत्ती को दोबारा कमान सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, ऑब्जर्वर गणेशी लाल मौजूद होंगे। इसके साथ साथ प्रभारी श्रीकांत शर्मा और पूर्व सीएम धूमल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पठानकोट में सेना का ऑपरेशन आज खत्म हो सकता है। कल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पठानकोट पहुंचे थे। मनोहर पर्रिकर ने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और बताया कि इस ऑपरेशन में 6 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन जारी रहेगा। रक्षा मंत्री ने भी माना कि सुरक्षा में कुछ कमियां रह गई हैं। सुरक्षा में चूक से पर्रिकर नाराज दिखाई दिए। मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पठानकोट एयरबेस में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से तलाशी अभियान अभी जारी है, जो कि बुधवार तक खत्म हो जाएगा। कोमिंग ऑपरेशन मुझे लगता है आज कल तक कुछ हो सकता है खत्म हो, लेकिन इट्स अ टोटली कॉल ऑफ द एनएसजी कमांडर हु इज डायरेक्टिंग द ऑपरेशन। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि एयरबेस में एक इमारत को छोड़कर कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही बताया कि मामले की जांच एनआईए कर रही है। नॉट ओनली स्ट्रेटेजिक एसेट बट बाकी बिल्डिंग्स भी ऐसी के ऐसी है। एक बिल्डिंग जिसमें छुपे थे दो, उनको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ी फायर पावर की यूज की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आतंकी 40 से 50 किलो ग्रेनेड लेकर पंजाब में दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अभियान केवल 36 से 38 घंटे चला है, बाकी वक्त तलाशी अभियान ही चला है। मुझे लगता है कम से कम 40-50 किलो बुलेट्स रहेंगे मिनिमम, और सम मैगजीन्स उधर तो जो रिकवर की वो कम से कम 3-4 डजन है। सेना ने आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, 6 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया, एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और अभियान कामयाब रहा। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पंजाब सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से जब इस हमले के दौरान पंजाब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पंजाब सरकार की भूमिका पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कई घंटों तक चले ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि एयरबेस में 3,000 परिवार रहते हैं, साथ ही हमले के वक्त विदेशी ट्रेनीज भी मौजूद थे जिन्हें बचाने के चलते एहतियात बरती गई। कितना कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, कितने मतलब वहाँ फॉरेनर्स थे, फॉरेन ट्रेनीज थे, अबाउट 5-6 कंट्रीज, वहाँ लोग रहते थे, बाकी उनको निकालना, जो फायर पावर यूज कर रहे हैं वो फायर पावर उनको डैमेज ना करें, इसकी प्रिकॉशन देना काफी डिफिकल्ट टास्क था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली मदद के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि शहीदों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने भी कॉम्पेंसेशन कुछ 25 लाख और नौकरी देने का वायदा किया है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू। तलाशी अभियान जारी है, बुधवार तक पूरा होने की संभावनाएं हैं। बहरहाल जांबाज जवानों का आतंकियों के खिलाफ अभियान कामयाब रहा, लेकिन जो खोया वो अनमोल था। देश को 7 बहादुर बेटों की कमी हमेशा खलती रहेगी। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट।
तो 5 दिन की दहशत के बाद पठानकोट का जनजीवन फिर से पटरी पर लौट आया है। पठानकोट बाजार से जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अजय महाजन ने। 5 दिन, जी हाँ, 5 दिन के बाद जनजीवन जो है दोबारा पटरी पर आता नजर आ रहा है। 5 दिन लगातार धमाकों और गोलियों की आवाजों से दहला हुआ पठानकोट एक बार फिर से सड़कों पर दोबारा रूटीन जिंदगी के लिए निकल आया है। ये दुकानें जो आप देख रहे हैं पिछले 5 दिन से बंद पड़ी थी और आवाजाही जो है पूरी ठप पड़ी थी, सुनसान पड़ी सड़कें। 5 दिन के बाद दोबारा जो है इन पर रौनक लौट आई है। स्कूल कॉलेजेस जो है वो दोबारा आज लग गए हैं। उसके बाद सभी आप देख सकते हैं चारों तरफ जनजीवन जो है दोबारा सामान्य हो गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार फिर से पटरी पर लौट आई हैं, क्योंकि धमाकों की आवाज़ें और गोलियों की आवाज़ों से दहला हुआ पठानकोट जो है ये काफ़ी सहम गया था। दिलों में खौफ था क्योंकि कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही थी कि आतंकी कहीं पठानकोट के आसपास के इलाकों में भी छुपे हो सकते हैं। लेकिन कल जब रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि 6 के 6 दहशतगर्द जो एयरफोर्स के अंदर घुसे थे वो सारे के सारे मार गिराए गए हैं, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो अभी तक लगातार चल रहा है। उसके बाद से दिलों से खौफ जो है वो हटता नज़र आ रहा है। हालांकि पूरे पठानकोट में CRPF और सुरक्षा बलों के बाकी जवान जो हैं, चाहे वो सेना हो चाहे पुलिस हो और बाकी जवान लगाए गए हैं, लेकिन जनजीवन जो है जो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ जो सारा जनजीवन है वो एक बार दोबारा पटरी पर आ गया है और दिलों से जो खौफ का साया था वो हटता नजर आ रहा है। कैमरामैन अश्विनी मन्हास के साथ अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। तो 5 दिन की दहशत और खौफ के बाद अब जो पठानकोट है और पठानकोट के लोग हैं वो संभलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन वहां पर आज भी जारी है। पठानकोट में हमला करने से पहले आतंकियों ने SP की गाड़ी पर कब्जा किया था। आतंकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। हमारे संवाददाता अजय महाजन ने गाड़ी की स्थिति और मौके का जायजा लिया। 6 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी तक जारी है। इस सारी घटना की जांच जो है NIA ने अपने हाथों में ली है। सारी घटना की गहनता से जांच चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही SUV गाड़ी है जो SP सलविंदर सिंह की गाड़ी है, ये जिसको अगवा किया गया था, जिसमें राजेश वर्मा को भी साथ में लेके अगवा किया था आतंकियों ने। इस गाड़ी को यूज़ किया है आतंकियों ने, इस बात से इनकार नहीं कहा जा सकता। इसी गाड़ी में आतंकी जो है वो नरोट जमन सिंह के इलाके से आ करके, तो अकालगढ़ का जो एयरफोर्स के अंदर का एयरफोर्स के एक तरफ का इलाका है वहाँ पर ये गाड़ी छुपाई हुई मिली है। आप इस गाड़ी की हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी में किस तरह से इस गाड़ी को यूज़ किया गया है, किस तरह, और अंदर हाथापाई के भी कुछ निशान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ब्लड के निशान पिछली सीट पर साफ देखे जा सकते हैं, पिछली सीट पर ब्लड के निशान साफ नज़र आ रहे हैं। इसी गाड़ी से आतंकी जो हैं, SP सलविंदर सिंह के बयानों के मुताबिक आतंकियों ने उनकी गाड़ी को और उनके साथी को अगवा करके यहां अकालगढ़ के खेतों के पास जो है वो छोड़ गए थे। गाड़ी की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही SP की वो गाड़ी है कि जिससे आतंकी जो हैं वो एयरफोर्स स्टेशन में घुसने में कामयाब हुए थे और एक बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं ये आतंकी, जिनको अभी मार गिरा दिया गया है। सलविंदर सिंह और उसके साथियों से अभी तक NIA जो है वो पूछताछ कर रही है। आगे इस सारी जांच में क्या सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अश्विनी मन्हास के साथ अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। तो पठानकोट में आतंक का जो प्लान था वो 2 जनवरी को तैयार नहीं किया गया बल्कि 1 जनवरी से ही शुरू हो गया था, जब SP सलविंदर सिंह को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। पठानकोट हमले ने एक बार फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हमले में भारत ने अपने 7 सपूतों को खोया है। चलिए आपको बताते हैं कि हमले वाले दिन से अब तक का पूरा घटनाक्रम।
पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से एयरबेस को अपना निशाना बनाया। पठानकोट में चला आतंकियों के साथ लंबा ऑपरेशन इस बात की तस्दीक करता है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे आतंकी हमले में अब तक क्या क्या हुआ है। 31 दिसंबर 2015 रात के करीब 9:30 बजे भारतीय सीमा में घुसे आतंकियों ने पठानकोट के बगवाल गांव की टैक्सी ड्राइवर एकागर सिंह को फोन किया। उन्होंने फोन पर एक मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाने के लिए इनोवा कार बुलाई, लेकिन उनकी गतिविधियों को ड्राइवर भांप चुका था, जिसके बाद आतंकियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 31 दिसंबर 2015 रात के 11:30 बजे यहीं से गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह, उनके दो साथियों, उनकी नीली बत्ती लगी एसयूवी को हाईजैक किया गया। चेक पोस्ट पार करते ही आतंकियों ने सबसे पहले एसपी को गाड़ी से गिरा दिया। कुक मदन गोपाल और एसपी के दोस्त राजेश वर्मा को भी गाड़ी से फेंक दिया गया। 2 जनवरी 2016 तड़के 3:05 पर तड़के करीब 3:05 पर आतंकियों ने एयरबेस में पहली फायरिंग शुरू कर दी। सेना की वर्दी में घुसे आतंकियों ने सूबेदार मेजर दलजीत सिंह पर हमला कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश के 3 जवान शहीद हो गए। 3 जनवरी 2016 सेना और एनएसजी के दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 3 जनवरी को शहीद जवानों की संख्या 7 हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। पठानकोट पहुंची एनआईए ने आतंकियों से बरामद जीपीएस को कब्जे में लिया। इसके बाद एयरवेज में एक और आतंकी के मारे जाने की खबर आई। पीएम मोदी ने एनएसए और रक्षा सचिव के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। 4 जनवरी 2016 4 जनवरी को भी ऑपरेशन जारी रहा। एयरबेस में फिर से फायरिंग शुरू हुई। एयरफोर्स, सेना और एनएसजी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रधानमंत्री ने पठानकोट हमले पर उच्च स्तरीय बैठक की। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पठानकोट हमले की जिम्मेदारी ली। भारत ने जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 5 जनवरी को भी सेना का ऑपरेशन जारी रहा। मंगलवार को रक्षा मंत्री पठानकोट पहुंचे। मनोहर परिकर ने 6 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कबूला कि सुरक्षा में चूक हुई है। पाक प्रधानमंत्री ने मोदी से फोन पर बात की और जांच का भरोसा दिया। एसपी सलविंदर मीडिया के सामने आए और पूरे मामले की जानकारी दी। पठानकोट हमले में पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले। एनआईए ने एसपी सलविंदर से पूछताछ की। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पठानकोट में मारे गए आतंकियों के पास से मिले सबूत, इंटरसेप्ट की गई कॉल्स और दूसरे सबूतों का सिर्फ एक ही इशारा है, वो ये है कि भारत के सीने पर ये जख्म भी पाकिस्तान से मिले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पठानकोट के सबूत इतने पुख्ता हैं कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिला रही पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार इनकार नहीं कर सकती। सबूत नंबर 1, पठानकोट में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का पहला सबूत है आतंकियों की तरफ से पाकिस्तान में की गई कई फोन कॉल्स। रात 12:35 से लेकर आधी रात 1:40 के बीच 4 फोन कॉल्स की गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये 4 फोन कॉल्स ट्रेस की थी। इनमें से एक आतंकी ने जैश ए मोहम्मद के गढ़ यानी पाकिस्तान के बहावलपुर में अपनी मां से फोन पर यह कहा था कि वो फिदाइन है, जिसके बाद उसकी मां ने उससे खाना खा लेने की ताकीद की थी। आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह को अगवा करने के बाद उन्हीं के फोन से पाकिस्तान बात की थी। मेरा भी टेलीफोन छीन लिया था और उन्होंने का भी टेलीफोन छीन लिया था। उर्दू भी, पंजाबी थी, हिंदी भी थी। क्या कन्वर्सेशन कर रहे थे? कोडेड लैंग्वेज यूज कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बोले, बस हमसे का भी अगर बात आपने जब कुछ बोला किसी को, जहाँ कोई ऐसे आपको गोली लगा देंगे
और आप वो उर्दू में भाषा कर रहे थे बाहर। सबूत नंबर दो, पठानकोट में पाकिस्तानी करतूत का दूसरा बड़ा सबूत है पाकिस्तान के वो फोन नंबर जो आतंकियों के पास मिले हैं। पठानकोट में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत तो हैं। गुरदासपुर के एसपी, उनके दोस्त राजेश वर्मा, उनका कुक मदन पठानकोट के इस हमले के सबसे बड़े गवाह भी हैं। तीनों अलग अलग एफआईआर हैं। ये पहली है जो टैक्सी ड्राइवर इनोवा का जो था उसका मर्डर के विषय में है, दूसरी एफआईआर है एसपी साहब के जो सलविंदर सिंह है उनकी किडनैपिंग के बारे में, और तीसरी जो पठानकोट में एयरबेस पे अटैक हुआ उसके विषय में। नहीं, अब समय आने पे हम उनको लेटर रोगेटरी के थ्रू पाकिस्तान से जो एविडेंस मंगाना वो मंगा देंगे। पठानकोट में हमले का हर सुराग पाकिस्तान की ओर इशारा करता है। ऑपरेशन होने के बाद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो, किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा। और सबूत नंबर तीन, पठानकोट हमले का तीसरा बड़ा सबूत है पाकिस्तानी जूता। हमले में शामिल पांच आतंकवादियों में से एक ने एपकोट ब्रांड का जूता पहना था। एपकोट ब्रांड के जूते पाकिस्तान में बनते हैं। बॉर्डर के पास वाले पाकिस्तानी इलाके में एपकोट काफी पॉपुलर ब्रांड है और वहां ये आसानी से हर जगह बिकता है। एपकोट कंपनी को पहले ईस्ट पाकिस्तान क्रोम टैनरी के नाम से जाना जाता था। एपकोट कंपनी लाहौर के गुलमर्ग में बने इंडस्ट्रियल एरिया में जूते बनाती है। पठानकोट एयरबेस में घुसे आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका चौथा बड़ा सबूत है वो पर्चा जो एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी से मिला है। सबूत नंबर चार, इस पर्चे में लिखा है जैश ए मोहम्मद जिंदाबाद। तंगधार से लेकर सांबा, कठवा, राजबाग और दिल्ली तक अफजल गुरु शहीद के जानिसार तुमको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इस पर्चे से ये संकेत मिलता है कि आतंकी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से पंजाब तक आए हुए हो सकते हैं। सबूत नंबर पांच, पाकिस्तान के खिलाफ पांचवा बड़ा सबूत है आतंकवादियों के पास से मिले पाकिस्तानी हथियार। आतंकवादियों के पास से AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर मिले हैं। टेररिस्ट के पास 52 mm का मोर्टार भी मिला है। उन्होंने सिर्फ मेरे से एयरपोर्ट अमृतसर के बारे में पूछा शॉर्ट में, और ज्यादा नहीं पूछा। मेरे पर्स से उन्होंने 500 रुपए लिया और मेरे को बोला तेरे एहसानमंद रहेंगे, तेरा 2000 रुपए हम ले रहे हैं, बाकी तेरा पर्स ये गाड़ी पे मतलब डैशबोर्ड पे हम रख रहे हैं। वो बोल के गए दोनों को, पीछे वाले को भी, इसको जन्नत पहुंचा गया। गन्स कितनी थी, क्या सामान क्या? उनको जेड़े साडे को आम झोले सरकारी हुंदी ओही झोले उनां कोल ते गन्ना जी, जेड़े साडे गनमैना को हुंदी ओही गन्ना उनां कोल। फिर आगे किधर लेके गए थे? अगे जी पता नहीं जंगल जे छोड़ दित्ता जाके। ओही बट मारे थे। सबूत नंबर 6, पठानकोट में पाकिस्तान के खिलाफ छठा बड़ा सबूत है आतंकवादियों के पास से मिले आईईडी, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसमें पाकिस्तानी बैटरी लगी हुई थी। लेकिन आपने तो बिल्कुल रेजिस्टेंस ही नहीं शो करी, आपने आराम से आपको उन्होंने आके बांध लिया, आपकी गाड़ी में बैठे, मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं। ऐसा क्यों है कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए? पांच आदमी थे, मेरे अकेले से रेजिस्टेंस से क्या करता, सभी के साथ वेपन थे उनके पास। जब मुझे उधर से आया तभी मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। 3 बजे फोन आया ड्राइवर महाराजा, ड्राइवर साहब का, उन्होंने बोला भी साहब कहाँ है, मैं साहब तो मथरे गए तक आए नहीं। तो फिर कंट्रोल रूम से फोन आया मुझे भी साहब आपके ना गेटा पे कर लिया। पठानकोट में पाकिस्तान के खिलाफ ये सबूत पाकिस्तान को बता भी दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोवल ने पाक एनएसए नासिर जांजुआ से बात की है और उन्हें पठानकोट हमले के सबूतों के बारे में बताया है। सूत्रों का दावा है कि पाक एनएसए जांजुआ ने भी सबूतों से इनकार नहीं किया है। पठानकोट से राजू केरनी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो सबूत बहुत है और लीड्स भी पाकिस्तान को भेज दी गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। पठानकोट आतंकी हमले के बाद सवालों में आए एसपी सलविंदर ने कई खुलासे किए हैं। जिस आतंकी हमले को दुनिया 2 जनवरी से शुरू हुआ समझ रही थी वो असल में 1 जनवरी को एसपी सलविंदर की किडनैपिंग के साथ ही शुरू हो गया था। मंगलवार को एसपी सलविंदर ने अपनी जिंदगी के उन खौफनाक लम्हों के बारे में जानकारी दी
जो उन्होंने मौत के सौदागरों के साथ गुजारे थे। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2016 को जब एसपी सलविंदर, उनके साथी राजेश कुमार और कुक की किडनैपिंग हुई, तभी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इस बात के संकेत दिए थे कि ये किडनैपिंग किसी बड़ी वजह से की गई है। और अगले ही दिन भोर के वक्त जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संकेतों पर मोहर लग गई। किडनैपिंग के बाद से ही एसपी सलविंदर से सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ गंभीर सवाल। उस दिन क्या हुआ, कितने लोग थे, क्या उनके पास हथियार थे, वो किस भाषा में बात कर रहे थे? सर, चार लोग थे या पांच लोग थे? एकदम तो मुझे ठीक नहीं, लेकिन चार पांच थे। हमें तो वैसे ही मेरे ख्याल कोई नाका है, एकदम मैं नहीं चला रहा था, वो अजय राजेश वर्मा चला रहा था गाड़ी। जब उन्होंने गाड़ी रोकी, एकदम ही जो ऐसे एकदम मुझे पता चल गया कि ये टेररिस्ट हैं, जिन्होंने जैकेट पहनी हुई थी मिलिट्री की। क्या राइफल्स थी उनके हाथ में उस समय? हाँ, AK-47 थी। वो उर्दू में अपने बात कर रहे थे उधर बाहर। राजेश के बयान के मुताबिक है, वो गाड़ी जो है हूटर बजा और एक गनमैन के मेरे फोन किया, मेरे फोन के ऊपर उन्होंने बोला सलामेकम सलाम, और उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। तो उसके फोन बंद करने पे उससे पूछा राजेश से, मेरे रखे राजेश के मुताबिक उन्हें पूछा कौन है वो, उन्होंने बोला डीएसपी एसपी है जो भी है। फिर उन्होंने कमांडर ने बात बात की उधर पाकिस्तान में, फिर मेरे को वापस लेने के लिए आगे मारने के लिए। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर आतंकियों का मकसद एयरबेस में रखे एयरक्राफ्ट और दूसरे सामानों को तहस नहस करना था, लेकिन सेना के बहादुर जवानों ने उन्हें उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और दुनिया को दिखा दिया कि हमारे सैनिक मिट्टी से नहीं लोहे से बने हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, गुरदासपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर लिए गए फैसले को सही करार दिया। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी को सही ठहराया है। उन्होंने ऐसे कड़वे फैसलों को विकास के लिए जरूरी बताया। देश और प्रदेश के विकास की गति जो मंद क्या लगभग बंद ही हो गई थी, उस गति को और तेज करना, ये प्राथमिकता हमारी सरकारों की है। इसलिए इसमें कई बार इस प्रकार के फैसले भी लेने पड़ते हैं जो जनता के हित में। सुभाष बराला ने हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल इनेलो पर भी बड़ा हमला बोला। बराला ने कहा कि पिछला विधानसभा चुनाव इनेलो के लिए आखिरी मौका था और अब इनेलो से मायूस नेता बीजेपी में आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। हुड्डा साहब, जिन फैसलों के कारण से आपके ऊपर FIR दर्ज हुई है, ये तो आपने अपने हाथ से लिए थे, अपनी कलम से आपने लिए थे, और आपकी कलम से जो फैसले हुए थे उसमें कानून अपना काम करेगा। दोबारा हरियाणा बीजेपी की कमान संभालने के बाद बराला मंगलवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने अपनी बयानबाजी से सियासी गलियारों की सरगर्मी बढ़ा दी। अब इंतजार है विपक्षियों के जवाबों का। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।